क्या आपने कभी नींबू चखा है? डेफिनेटली चखा होगा। बड़ा खट्टा होता है, छी बहुत खट्टा होता है। और कहीं आपने नहाते हुए कभी शैम्पू या साबुन आपके मुंह में चला गया हो, कैसा लगता है? क्या कहा? कड़वा। हाँ, और पसीना अगर आपके मुंह में चला गया हो तो आपका, यस, आपका पसीना चला गया हो तो नमकीन। जी हाँ, तो आज का टॉपिक यही हमारे लिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जो मैं खट्टे की बात कर रहा था, यस, जो आप नींबू या संतरा या कभी कभी टमाटर अगर चख लेते हैं तो बहुत खट्टापन आता है। तो कोई भी चीज जो खट्टे स्वाद की है वो है एसिडिक, अर्थात उस वस्तु में एसिड है। ठीक पहचाना, एसिड है उसमें। और अगर कोई चीज कड़वी है, यस कड़वी है, जिसको आप खाते थूक देंगे, करेला आपने सुना है, यस कड़वा है। और मैंने बताया शैम्पू या साबुन अगर गलती से नहाते समय आपके मुंह में चला जाए तो बहुत कड़वा लगता है। तो ये है बेस। तो बिटर चीजें बेस होती हैं, एसिड की चीजें खट्टी होती हैं, और बचा सॉल्ट, जो दोनों के कॉम्बिनेशन से यस सॉल्टिश टेस्ट होता है। यस, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज हम जानेंगे कॉमन भाषा में, आसान सी भाषा में एसिड क्या होता है, और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो एसिड एक लैटिन वर्ड है, एसिडस से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है सोर, और सोर का मतलब मैंने बताया खट्टा। तो हर वो चीज जो खाने में खट्टी है उसके अंदर एसिड है, चाहे वो एप्पल ही क्यों ना हो। याद रखिएगा, एप्पल में होता है मैलिक एसिड। हाँ, इमली, खट्टी इमली याद आ रही है आपको? तो इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, नींबू में होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो देखा, सारी खट्टी, सिरका, विनीगर बोलना चाह रहा है, सिरका बोलने जा रहा है, यस एसिटिक एसिड। तो सारी खट्टी चीजों में होता है एसिड। तो एसिड की डेफिनेशन क्या, सिर्फ बोलते खट्टी चीज एसिड होती है? नहीं, आइए डेफिनेशन ऑफ एसिड समझते हैं। एसिड आर कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम। पहली बात, हर एसिड में क्या होगा? ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एटम। बट क्योंकि हाइड्रोजन जब आयन के रूप में रिलीज होगा तो वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा, पर जब वो पानी से कंबाइन बन जाएगा तो वो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अर्थात पहले वो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन एटम, बट जब पानी में डिजोल्व कर देते हैं उसे तो वो हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन प्रोड्यूस करते हैं। So, हमारे वर्ड्स में डेफिनेशन क्या होगी? एन एसिड इज अ कंपाउंड विच ऑन आयनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन्स। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आयन्स कुछ और निकल सकते हैं, पर पॉजिटिव में क्या निकलेगा? सिर्फ H3O+ आयन्स ही निकलेंगे। और एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है, यस, जो एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है ना, और एसिड खट्टा होता है, वो प्रॉपर्टी कहां से आ रही है? वो प्रॉपर्टी आ रही है इसी हाइड्रोनियम आयन से। द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड इज ड्यू टू दी हाइड्रोनियम आयन। समझ गए ना आप? तो कितना इंपॉर्टेंट है हाइड्रोनियम आयन। अब आता है टाइप्स ऑफ एसिड, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, अर्थात कहां से एसिड ऑब्टेन हो रहा है। क्या एसिड प्लांट से भी मिलता है? हाँ, एसिड्स प्लांट से भी मिलता है, एसिड्स मिनरल से मिलता है। तो जो प्लांट से एसिड मिलता है उन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, अर्थात लिविंग बींग से मिलने वाला, लिविंग वस्तुओं से, पदार्थ से प्राप्त होने वाला एसिड है ऑर्गेनिक एसिड। और हर ऑर्गेनिक एसिड्स में आपको कार्बन जरूर मिलेगा। एक एक्सेप्शन है, यस एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन है। क्या कहा तुम्हें? मालूम है? चलो, मुझे मालूम है कि आपको पता है, और आपको करना क्या है, यस कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। यूजुअली इनऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन नहीं होता है। सो आज का क्वेश्चन आप समझ गए हैं, नेम एन इनऑर्गेनिक एसिड विच कंटेन्स कार्बन। सो ऑर्गेनिक एसिड्स, यस ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। एग्जाम्पल, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑयलिक एसिड, यस है ना, ऑयलिक एसिड, यस ऑयलिक एसिड ऑलिव में मिलता है, ऑलिव ऑयल होता है ना, उसमें पाया जाता है। मैलिक एसिड मैंने बताया था एप्पल में पाया जाता है ना,
और ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज में पाया जाता है। तो सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, पर ये सारे एसिड्स कैसे एसिड्स हैं? वीक एसिड्स हैं एंड दे डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर। इसका मतलब है वीक एसिड है, इसका मतलब है अगर पानी मिलाएंगे तो ये कंप्लीटली आयन्स में ब्रेक नहीं होंगे। तो क्या होगा? ये आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होंगे, इसीलिए क्या है? वीक एसिड्स हैं। अब आता है ठीक उल्टा इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, जो एसिड्स मिनरल से प्राप्त हो उन्हें कहेंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स। और इनऑर्गेनिक एसिड्स में एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स। अर्थात ये एसिड्स, अब ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इसका मतलब है अगर पानी इसमें मिलाया जाएगा तो कंप्लीटली आयन्स में ब्रेक हो जाएंगे, फुल्ली आयन्स में ब्रेक हो जाएंगे, इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसके अंदर भी आ सकते हैं, सब टाइप आ सकते हैं, ऑक्सी एसिड्स और हाइड्रा एसिड्स। नाम से पता चल रहा है ऑक्सी एसिड्स कैसे एसिड्स होंगे, एक ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन है अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3, लाइक सल्फ्यूरस एसिड, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, HNO3, H2SO4, H2SO3, है ना। तो ऑक्सीजन है मौजूद अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। अब आता है हाइड्रा एसिड, अर्थात एक ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन होगा अलॉन्ग विथ अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। यस, हाइड्रोजन है, जैसे ये रहा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन है और क्लोरीन क्या है इसमें? नॉन मेटल है। दूसरा एग्जाम्पल है HBr, हाइड्रोजन है अलॉन्ग विथ ब्रोमीन है जो कि एक नॉन मेटल है। क्या समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करने में झिझक मत करो, बिकॉज योर लाइक मीन्स मोटिवेशन टू मी। एंड हाँ, लाइक से ये भी पता चलता है कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। क्या कहा? आप मेरे चैनल में पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज 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 इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सारे लेसन, सारे वीडियोस इस चैनल में उपलब्ध हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, यस हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स और इवन फिजिक्स के। तो करना क्या है आपको? बस चैप्टर का नाम लिखना है और आगे लिखना है बाय सर तरुण रूपानी। ज्योग्राफी का लेसन कोई समझना है, क्लाइमेट समझना है, बस करेंगे क्या आप लिखेंगे क्लाइमेट बाय सर तरुण रूपानी। यस, यू विल गेट द वीडियो डेफिनेटली ऑन इट एंड एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विथ। सो डोंट वेट, स्टार्ट सर्चिंग, यस वॉट एवर लेसन यू वॉन्ट टू लुक फॉर। आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, यस कॉन्सेंट्रेशन ये बताता है कि एसिड की मात्रा कितनी है और उसके अंदर मौजूद पानी है, यस वाटर है, उसकी अमाउंट कितनी है। तो कॉन्सेंट्रेटेड अगर एसिड है तो बस ये इतना बताता है कि इस एसिड में पानी या तो बहुत कम मात्रा में है या तो इसमें पानी नहीं है, और कुछ नहीं बताता है। वो स्ट्रेंथ नहीं बताता है, ये नहीं बताता है कि एसिड बहुत स्ट्रेंथ वाला है। स्ट्रेंथ, यस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पता चलती है नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन से। ठीक सुना, कितना वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है, कितना क्विकली वो आयनाइज कर रहा है पायंस में, पानी में आयंस में रिलीज कर रहा है, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। डाइल्यूट एसिड ठीक उल्टा होता है कॉन्सेंट्रेटेड का। डाइल्यूट एसिड लैब में, यस केमिस्ट्री के लैब में जो आपके लिए जो एसिड रखे गए होते हैं, जो रैक में रखे गए हैं, ज्यादातर डाइल्यूट एसिड्स आपके लिए रखे गए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डाइल्यूट एसिड कम स्ट्रांग होंगे, अर्थात आपको कम नुकसान पहुंचा पाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो एसिड्स विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन इट्स ओन मास, ठीक है, अपने ही मास से ज्यादा उसके अंदर क्या है? पानी है, अर्थात एसिड की मात्रा उसमें कम है। तो अगर हम किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना चाहते हैं, क्या तरीका है बनाने का? क्या एसिड को पानी में मिलाकर? नहीं, पानी को एसिड में मिलाकर क्या डाइल्यूट बनाया जा सकता है? क्या आप कहते हैं कैसे बनाना चाहिए डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए? अगर आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, आप इसको डाइल्यूट बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? क्या कहा, कंफ्यूजन है? चलिए आइए मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एन एसिड, यस किसी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए पोर एसिड इनटू वाटर। याद रखिएगा, एसिड को पानी में डालिएगा, वो भी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड,
एसिड डालिएगा, बट बहुत कम मात्रा में डालिएगा, और साथ में उसको स्टीयर करते जाइएगा, घुमाते रहिएगा। समझ गया ना? इससे क्या होगा, एसिड पानी में क्या हो जाएगा, इक्वली डिजोल्व हो जाएगा, इक्वली घुलता जाएगा। और फिर और एसिड ऐड करते रहिए और स्टीयर करते रहिए कंटिन्यूअसली। बट डू नॉट ऐड, यस, कभी भी क्या नहीं ऐड करिए, वाटर टू एसिड ऐड मत करिए। क्यों नहीं ऐड करिए डाइल्यूट बनाने के लिए? पानी डाल दीजिए उसमें। यस, आपके पानी डालते ही क्या हो जाएगा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिससे हीट पैदा होगी और एसिड के स्प्लैश होके आपके चेहरे पे आने का भी खतरा बढ़ जाएगा। सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट कॉजेज बैक स्प्लैश ऑफ एसिड। सो बहुत रिस्की है, ये गलती आप कभी नहीं करिएगा। क्या नहीं करेंगे? वाटर टू एसिड नहीं ऐड करेंगे डाइल्यूट करने के लिए। आइए अब जानते हैं अगेन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। मैंने बताया स्ट्रेंथ अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्यों कहते हैं? क्यों? बिकॉज उसमें हाइड्रोनियम आयंस ज्यादा रिलीज होते हैं पानी में मिलाने पर। क्विकली वो क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर देता है, ठीक है ना? जबकि सिट्रिक एसिड या जो प्लांट एसिड्स हमने पढ़े थे, प्लांट से मिलने वाले एसिड पढ़े थे, ऑर्गेनिक एसिड्स, वो सब वीक एसिड्स होते हैं, तो अगेन वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज मेजर्ड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। यस, उसके अंदर कितना हाइड्रोनियम आयंस मौजूद है, यस, उससे पता चलता है स्ट्रेंथ। जबकि कॉन्सेंट्रेशन क्या बताता है? कॉन्सेंट्रेशन बताता है ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। अगर पानी कम मौजूद है तो कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, पानी ज्यादा मौजूद है तो डाइल्यूट एसिड है ना। पानी ज्यादा मौजूद है डाइल्यूट एसिड। अब आते हैं नेक्स्ट बेसिस पे क्लासिफाई करने के लिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड समझने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। यस, बेसिसिटी क्या बताती है? द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस्ड इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ऑन आयनाइजेशन। बड़ी सर कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, नहीं मैं आसान करता हूं। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड को अगर हम आयनाइज करें, पानी में मिलाएं, तो कितना हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा, ये बताता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी तीन टाइप के एसिड्स हो सकते हैं। सबसे पहला आता है मोनो बेसिक एसिड। मोनो मतलब सिंगल, इसका मतलब है अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड को आयनाइज किया जाए और वो एक हाइड्रोनियम आयन अगर प्रोड्यूस करे तो उसे कहेंगे मोनो बेसिक एसिड। यस, एसिड विच प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, अर्थात एक मॉलिक्यूल में आयनाइज करने पर एक हाइड्रोनियम आयन्स अगर पैदा करे। याद रखिएगा नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स, यस, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स से पता चलता है उसकी बेसिसिटी। तो अगर एक हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि HBr, जैसे कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये लोग एक ही, यस, एक ही हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस करेंगे आयन्स पानी बनाने, पानी मिलाने पर। तो ये लोग कैसे हैं? मोनोबेसिक एसिड है। यस, इट आयनाइजेस इन वन स्टेप, और जब आयनाइज करते हैं तो एक ही स्टेप में आयनाइज कर जाते हैं और एक ही सॉल्ट बनाते हैं, और वो है नॉर्मल सॉल्ट। यस, प्रोड्यूसेस ओनली नॉर्मल सॉल्ट। जबकि डायबेसिक, यस, डाय मतलब दो। तो अगर क्या हो, एसिड्स विच प्रोड्यूस टू हाइड्रोनियम आयन्स, कितने हाइड्रोनियम आयन्स पैदा करेगा? दो। तो अगर वो दो हाइड्रोनियम आयन्स पैदा करेगा पर मॉलिक्यूल, हर एसिड जिसका एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोनियम आयन्स पैदा करेगा आयनाइजेशन पे, तो वो एसिड कहलाएगा डायबेसिक एसिड। एग्जाम्पल, यस, एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड। देखिए एच टू से कंफ्यूज मत करिएगा कि सिर्फ टू देख करके ही आप कह सकते हैं। यस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस से ही नहीं डिसाइड होना है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन से डिसाइड होता है। क्या सुना? नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन से डिसाइड होता है हाइड्रोनियम आयन्स, ठीक है? जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में तो हाइड्रोजन चार होता है, तो क्या इसकी बेसिसिटी चार है क्या? नहीं, इसकी बेसिसिटी सिर्फ वन है, क्योंकि इसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन सिर्फ एक है, अर्थात वो सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस करता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ हाइड्रोजन को देख के नहीं पहचानी है, नंबर ऑफ, यस, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन से पता करना है। So, अगर डायबेसिक एसिड है तो दो हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस करेगा उसका एक मॉलिक्यूल, और दो स्टेप में आयनाइज करेगा और दो सॉल्ट पैदा करेगा, एक सॉल्ट होगी नॉर्मल और एक सॉल्ट होगी एसिडिक सॉल्ट।
ट्राइबेसिक सॉल्ट, ट्राइबेसिक एसिड। तो ट्राइबेसिक एसिड एक ऐसा एसिड जो थ्री हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, तो उसे कहेंगे ट्राइबेसिक, लाइक फॉस्फोरिक एसिड, है ना। फॉस्फोरिक एसिड तीन स्टेप में आयनाइज करता है, तीन सॉल्ट प्रोड्यूस करता है जिसमें एक नॉर्मल सॉल्ट होती है और दो डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड सॉल्ट होती है। तो एक नॉर्मल और दो एसिड सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। नोट्स के लिए और इन कॉन्सेप्ट्स को फिर से समझने के लिए और सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को तुरंत पाने के लिए यस ज्वाइन करिए सुपर स्टार्स। यस सुपर स्टार्स नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और ये यूट्यूब यस फेसबुक पर भी ये मैंने ग्रुप बना रखा है। ये डेडिकेटेड है ओनली फॉर एजुकेशन। याद रखिएगा इट इज अ ग्रुप मेंट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें कोई बकवास, कोई और बातें नहीं होती हैं। आपको लेटेस्ट वीडियोस, नोट्स और इंफॉर्मेशंस और डायग्राम्स दिए जाते हैं इसमें, और कुछ नहीं होता है। यस सो डू ज्वाइन इट इफ यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज। एंड हाँ, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी इसको बताना ना भूले। थैंक यू एंड सी यू अनदर वीडियो। बाय।